जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मात्र जो एबीसी ही जानते हैं वो भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो आइए कक्षा की शुरुआत करें। पिटारा स्पोकन इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। इंग्लिश बोलने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक बातें याद कर लेनी चाहिए, जैसे मैं का अंग्रेजी क्या होता है, तुम या आपका अंग्रेजी क्या होता है, हम दोनों का अंग्रेजी क्या होता है। ये सभी बेसिक बातें याद करनी चाहिए, तो आज के इस क्लास में हम लोग उन बेसिक बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बोर्ड पर आपको इसकी जानकारी देते हैं। तो आइए हम लोग कुछ बेसिक वर्ड्स याद करते हैं। सबसे ऊपर में आप यहाँ देख रहे हैं आई, आई का मतलब मैं होता है। डब्ल्यू ई वी, वी का मतलब हम लोग। एच ई ही, ही का मतलब वह, आप इसे यह तब प्रयोग होगा जब मेल की बात होगी, लड़के की बात होगी। बॉथ ऑफ यू, यू ओ टी एच, बॉथ ओ एफ ऑफ वाई ओ यू, बॉथ ऑफ यू, तुम दोनों या आप दोनों। ऑल ऑफ यू, ए डबल एल ऑल ओ एफ ऑफ वाई ओ यू, यू ऑल ऑफ यू मतलब तुम सब या आप सब। वाई ओ यू, यू, यू का मतलब तुम या आप। टी एच ई वाई, दे का मतलब वे लोग। एस एच ई सी, सी का मतलब वह या उसे, यह तब प्रयोग होगा जब फीमेल की बात होगी, लड़की की बात होगी। टी एच आई एस, दिस, दिस का मतलब यस। टी एच ए टी, दैट, दैट का मतलब वह। स्पोकन इंग्लिश की कुछ खास बातों में से हम लोगों को वर्ब भी याद रखना होगा। वर्ब, ये जो सैंपल है आप देख रहे होंगे, ये वर्ब है। जैसे पढ़ना, R E A D, read, पढ़ना। लिखना, W R I T E, write, write, लिखना। बोलना, S P E A K, speak, बोलना। देखना, S W E C, see, देखना। खेलना, P L A Y, play, play, खेलना। सुनना, L I S T E N, listen, listen, सुनना। सोचना, T H I N K, think, think में सोचना। खाना, ई ए टी, ईट, खाना। दौड़ना, आर यू एन, रन, दौड़ना। गाना, एस आई एन जी, सिंग, सिंग, गाना। काटना, सी यू टी, कट। पीना, डी आर आई एन के, ड्रिंक, पीना। सोना, एस एल डब्ल्यू ई पी, स्लीप, सोना। नाचना, डी ए एन सी ई, डांस, नाचना। तोड़ना, बी आर ई ए के, ब्रेक, तोड़ना। तो ये सारे वर्ब हुए, और हम लोगों को इन ऐसे वर्ब का बहुत सारे स्टॉप याद रखना होगा, तब स्पोकन अंग्रेजी आसान हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास जब वर्ब का स्टॉप नहीं होगा, जब सेंटेंस मेकिंग करने लगेंगे तो उस समय बहुत दिक्कत, समस्या हो सकती है। इसलिए इस क्लास में आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि भर ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करनी है। ये आज आपको इस क्लास में एक सैंपल बताया गया और भर के इम्पोर्टेंस को समझाया गया है।